HNB UMU 2022 ऐसे तमाम स्टूडेंट जो चाहे BSc नर्सिंग वाले हो, MSc नर्सिंग वाले हो, GNM वाले हो, ANM वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो, अपने काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज की डेट में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली आपकी काउंसलिंग की किस रीजन के बेस में मैं बता रहा हूँ कि आपके एक्सपेक्टेड डेट ये रहेगी विद प्रूफ मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है HNB UMU काउंसलिंग के रिगार्डिंग, चाहे हो डॉक्यूमेंट्स हो, फीस के रिगार्डिंग है, कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखना। कल मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा आपकी कमेंट्स के रिगार्डिंग, जितने भी आपके कमेंट्स होंगे उनके सारे आंसर मैं कल की वीडियो में दूंगा, इसलिए आप जितनी भी क्वेरी आपकी है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके लिए मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HNBUME.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। जो अपडेट आया था कल शाम की डेट में आया था NEET UG के रिगार्डिंग जो काउंसलिंग हुई थी, जैसे कि पूर्व में PG के रिगार्डिंग काउंसलिंग आई थी, जो NEET PG की काउंसलिंग है जो ऑनलाइन होनी थी वो कैंसिल करके अब मॉक राउंड यहाँ पे ऑफलाइन कर दिया गया है, लेकिन जो NEET UG की काउंसलिंग है जस्ट कल यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NEET UG का जो यहाँ पे जो पोर्टल है यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NEET UG की जो डेट है यहाँ पे, इससे एक अनुमान लगा सकते हैं आपकी जो काउंसलिंग की डेट है एक्सपेक्टेड कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NEET UG के रिगार्डिंग जो काउंसलिंग है आपकी, जो चॉइस फिलिंग है आपकी 22 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, जो लास्ट डेट है इसकी 27 अक्टूबर तक रहने वाली है, और जो डाटा जो प्रोसेसिंग है इसका 28 से लेकर 29 तक होने वाला है, और जो डेट का डिक्लेरेशन है यहाँ पे 30 अक्टूबर को यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपकी काउंसलिंग का जो डेट है कहीं ना कहीं 25 से लेकर 30 के बीच में या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में यहाँ पे आएगा। आई होप आपका जो डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपकी डेट रहेगी NEET UG के बाद जस्ट आपका ही नंबर है। यहाँ पे मैंने कहा था पहले सबसे स्टार्टिंग NEET PG का था, PG के बाद यहाँ पे UG का स्टार्ट हो चुका है। UG की डेट जैसे मैंने बता दी कि 28 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 30 तक इनकी कंप्लीट यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस हो जाएगी विद रिजल्ट के साथ। तो आपका जो एक रिजल्ट की जो आपके काउंसलिंग की डेट जो हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेड डेट जिसे कह सकते हैं 25 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में होगी या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में डेफिनेटली होगी, ये मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ। और आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे खुलेगा, कैसे खुलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ जो आपका रिजल्ट आएगा HNBUME की ऑफिशियल वेबसाइट में PDF फॉर्मेट में आएगा। मैंने काफ़ी वीडियो में आपको दिखाया भी होगा, शो किया भी होगा बच्चों का चॉइस और उनको एलोटेड जो सीट मिली थी PDF फॉर्मेट में आया। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड काउंसलिंग के टाइम मैंने क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है ये चीज़ें भी मैंने वीडियो में डाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है मैं जल्द से जल्द वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कल सारी क्वेरी के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आई होप आप ज़रूर ऐसे ही करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए मेरे चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।